सुमित वजन कम करने के लिए रोज शाम को गार्डन में दौड़ने जाता था। वो जिस गार्डन में जाता था वहां ज्यादा लोग नहीं आते थे, पर फिर भी वो वहीं पर जाता था क्योंकि उसे उस गार्डन से कुछ अलग लगाव था। एक दिन उसे गार्डन में टहलते हुए देर हो गई और वो जब वहां से लौटने वाला था तब तक रात हो चुकी थी। जब सुमित गार्डन के बाहर जाने के लिए निकला तब उसकी नजर अचानक उस गार्डन के रखवाले पर पड़ी। वो रखवाला रात के समय पेड़ों को पानी दे रहा था। सुमित को ये बात बहुत अजीब लगी और वो रखवाले पर हंसने लगा। सुमित रखवाले के पास गया। अरे क्या हुआ भाई, पागल हो गए हो क्या? क्यों, क्या हुआ साहब, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे तुम रात के समय पेड़ों को पानी क्यों दे रहे हो? पानी तो सुबह सुबह देना चाहिए, रात के समय पेड़ों को पानी नहीं दिया जाता। तुम सही कह रहे हो, पर ये पेड़ अलग है। ये पेड़ अंधेरे के पेड़ हैं। इन पर रात का आशीर्वाद है, या फिर यूं कहो कि काली रात का शाप है, इसलिए इन पेड़ों को रात के समय पानी देना पड़ता है। अरे भाई तुम डरा क्यों रहे हो यार, सीधे सीधे बोल देते कि सुबह देना भूल गया था इसलिए रात को दे रहा हूँ, तो भी मैं कुछ नहीं कहता तुमको। अरे ऐसा कहकर मैं झूठ बोल देता, पर मुझे झूठ बोलने की आज्ञा नहीं है, और ये सच जानकर तुम डर रहे हो। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा। रखवाले की बात सुनकर सुमित थोड़ा डर गया। उसे वो कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अब ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना काम चालू रखो, मैं चलता हूँ। सुमित डर की वजह से भागता लड़खड़ाता हुआ गार्डन से चला गया और रखवाला फिर से पेड़ों को पानी देने लगा। अगले दिन सुमित सुबह के वक्त गार्डन में दौड़ने के लिए आया। उस वक्त भी गार्डन में कोई नहीं था, पर जब सुमित ने गार्डन में पैर रखा तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वो बुरी तरह से डर गया। गार्डन के सारे पेड़ एकदम खाली और मुरझाए हुए थे। पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा था, मानो जैसे अभी जलकर खाक हुए हो। गार्डन का वातावरण रात के समय से एकदम उल्टा था। ये सब कैसे हो गया? उस रखवाले ने रात को ही तो सभी पेड़ों को पानी दिया था, तो इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया? इतने कम समय में पेड़ के सारे पत्ते कैसे मुरझा सकते हैं? इन पेड़ों पर जले के निशान भी हैं, पर यहाँ आग लगी थी ऐसी कोई खबर नहीं आई। सुमित ने एक एक पेड़ के पास जाकर देखा, उनको छुआ भी, पर उसके समझ में कुछ नहीं आया। अचानक उसको याद आया कि यहाँ रखवाला भी रहता है। हाँ, उस रखवाले से पूछना पड़ेगा, उसे जरूर पता होगा कि ये सब किसने किया या फिर कैसे हुआ। चलो उसे ढूंढता हूँ। सुमित ने उस रखवाले को बहुत देर तक पूरे गार्डन में ढूंढा, पर उसे वो रखवाला कहीं भी नहीं मिला। वो डर कर वहां से भाग निकला। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। जब सुमित शाम को आता तो सारे पेड़ अच्छे और पत्तों से भरे हुए नजर आते थे, पर जैसे ही वो सुबह आता तो वो चित्र एकदम बदल जाता। उसने बहुत बार रखवाले को पूछने की कोशिश की, पर डर के मारे कभी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन सुमित सुबह के वक्त गार्डन में आया। चारों तरफ शांति फैली हुई थी। गार्डन की हालत किसी रेगिस्तान जैसी थी, जहां बरसों से बारिश ना हुई हो। ऐसे लग रहा था कि गार्डन में कभी किसी ने पानी ही नहीं डाला। गार्डन के नजदीक पानी का पाइप पड़ा था। सुमित ने सारे पेड़ों को पानी देने का सोचा। उसने वो पाइप उठाया और वो पेड़ों को पानी देने लगा, पर अचानक पाइप से पानी की जगह
खून निकलने लगा। जैसे ही सुमित ने खून निकलते देखा, उसके हाथ से पाइप छूट गया और वो डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगा। बचाओ, बचाओ! अरे पाइप से खून निकल रहा है, बचाओ! सुमित बहुत देर तक चिल्लाता रहा और उसकी आवाज ना रखवाले ने सुनी ना किसी और ने सुनी। सुमित बिना कुछ सोचे समझे अपने घर चला गया। सुमित शाम को डरते हुए दबे पांव गार्डन में आया। रखवाला वहां पर कहीं नहीं था। सुमित कुछ देर के लिए वहीं पर बैठा रहा। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। जैसे ही सूरज डूबा, रखवाला अपने कमरे से बाहर निकला। रखवाले ने डरावनी नजरों से सुमित की तरफ देखा और बिना कुछ कहे पौधों को पानी देने लगा। सुमित चुपचाप रखवाले के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने रखवाले से कुछ नहीं कहा। उसने पाइप से निकलने वाले पानी को ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि वो पानी नहीं, खून ही था। बस रात के अंधेरे में वो दिखाई नहीं दे रहा था। सुनो, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। मुझे पता है तुम क्या पूछने वाले हो। मैंने तुम्हें सुबह यहाँ देखा था। तुमने पेड़ों को पाइप से पानी देने की कोशिश की थी, बेकार कोशिश। और तुम यही जानना चाहते हो ना कि इस पाइप से खून कैसे निकला और मैं इन पेड़ों को खून क्यों दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये सब रात के पेड़ है, अंधेरे के। ये हमारे सामान्य पेड़ों से अलग हैं, इसीलिए इन्हें पानी नहीं खून चाहिए होता है, और वो भी रात के समय। अब जाओ, मुझे अपना काम करने दो, पूरी रात और भी काम है मुझे। लेकिन ये सब क्यों और कैसे हो सकता है? वो मैं नहीं बता सकता, जाओ यहाँ से। सुमित रखवाले की बात सुनकर डर गया और गार्डन के बाहर चला गया, पर वो घर नहीं गया। वही गार्डन के कोने में खड़ा रहकर अंदर देख रहा था। उसे इन अजीब पेड़ों का राज और इस गार्डन की कहानी जाननी थी। रात बीतती गई। रखवाला सारे पेड़ों को खून देकर एक जगह पर बैठ गया। गार्डन का पूरा माहौल बिल्कुल शांत था, पर अचानक सारे पेड़ हिलने लगे। शांत माहौल को चीरते हुए उन पेड़ों की आवाज सुमित को परेशान करने लगी, पर वो फिर भी उन्हें ध्यान से देख रहा था। अचानक गार्डन के सारे पेड़ एक एक करके गायब होने लगे। सुमित वो सब देखकर डर रहा था, पर फिर भी उसने गार्डन की तरफ देखना नहीं छोड़ा। गार्डन के सारे पेड़ गायब होने के बाद हर एक पेड़ के नीचे एक आदमी की कब्र दिखाई देने लगी। थोड़ी देर बाद उन कब्रों से मरे हुए लोग बाहर आने लगे और अपना हाथ काट कर उसमें से जो खून निकल रहा था वो अपने कब्र पर डालने लगे, जहां पहले पेड़ खड़े थे। ये सब देखने के बाद सुमित की आंखें सफेद हो गई। उसको क्या करें ये समझ नहीं आया। अचानक सुमित की नजर रखवाले पर पड़ी। वो ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। सुमित हिम्मत करके फिर से गार्डन के अंदर आया और रखवाले के सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। वो सब छोड़ो, ये सब क्या हो रहा है ये तुम मुझे बताओ अभी के अभी। अब तुमने सब देख ही लिया है तो तुम्हें सच बताने में कोई हर्ज नहीं है। ध्यान से सुनो, ये सब लोग जो तुम देख रहे हो, ये सारे के सारे मरे हुए हैं। जिंदा रहकर इन्होंने एक बहुत बड़ा पाप किया था। इन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटा और उन्हें जलाकर राख कर दिया। इसलिए मरने के बाद भी इन्हें शांति नहीं मिली, इसलिए ये पेड़ इनसे बदला ले रहे हैं। ये रोज इनका खून मांगते हैं और उस खून से जिंदा रहते हैं। मामूली पेड़ सिर्फ सुबह ऑक्सीजन देते हैं,
लेकिन ये रात को ही ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए सुबह के वक्त ये सब मुरझाए हुए और रात के वक्त हरे भरे दिखाई देते हैं। अगर तुम इन मुर्दा लोगों में शामिल नहीं होना चाहते तो कभी पेड़ मत काटना, वरना पेड़ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सुमित उस रखवाले की बात सुनकर इतना डर गया कि कभी उस गार्डन की तरफ लौट कर नहीं आया। रमन एक 25 साल का लड़का जो मुंबई में गांव से पढ़ने के लिए आया था, अब एक अच्छी नौकरी करता है और अपने माँ बाबूजी को हर महीने गांव पैसे भेजता है। एक रात रमन अपनी जॉब से निकलकर बाइक से घर जा रहा था कि बीच में एक बिल्ली आई रास्ते पर। रमन बिल्ली को देखकर चौंक गया और उसकी बाइक उससे संभल नहीं पाई और बाइक स्किट हो गई। रमन की बाइक को थोड़ी खरोच हुई, पर उसने देखा कि उसके हाथ की घड़ी भी टूट गई है। रमन को घड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था और उसने वो घड़ी बड़ी मेहनत से अपनी पहली सैलरी से खरीद कर ली थी, इसीलिए उस घड़ी की कीमत रमन के लिए बहुत थी। उस टूटी हुई घड़ी को देखकर रमन उदास हो गया। अरे यार, पहली बार कुछ मैंने खुद के पैसों से लिया था, उस बिल्ली को भी अभी ही बीच में आना था। बाइक पर जाते जाते रमन को अंधेर नगर बस स्टॉप पर एक बूढ़ी औरत घड़ियां लेकर दिखती है। उसके पास अजीब अजीब घड़ियां थी। रमन अपनी बाइक रोकता है और घड़ी रिपेयर करने के लिए उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। आंटी जी, मेरी ये घड़ी ठीक करके दे सकती हो क्या? अरे मैं सिर्फ बेचती हूँ घड़ियां, बनाती नहीं हूँ। अरे यार ठीक है, मैं ये घड़ी जेब में रख देता हूँ अभी के लिए। आंटी जी, मुझे एक घड़ी चाहिए। अच्छा, कौन सी चाहिए तुम्हें? रमन उन सारी घड़ियों को देखता है, कुछ आकार में छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है। रमन बहुत सोचकर एक घड़ी देखता है, वो घड़ी रमन को बहुत पसंद आती है। हाँ, ये वाली दे दो, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। कितने पैसे हुए आंटी इसके? रमन सामने देखता है तो कोई दिखता नहीं, मानो जैसे वहां कोई था ही नहीं। ना उस औरत के जाने की आवाज आई और ना ही उस औरत ने पैसे लिए। अरे पैसे तो लेकर जाती, कैसी औरत है बेचारी, एक तो अकेले यहाँ घड़ियां बेच रही थी और मैंने उससे पैसे भी नहीं दिए। रमन अपनी गाड़ी पर बैठने जाता है, तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई देती है। मुझे पैसे चाहिए भी नहीं। ये आवाज कहाँ से आई? आंटी कहाँ हो आप? रमन को कोई नहीं दिखता अभी भी। रमन घड़ी पहन लेता है और वो बाइक शुरू करके निकल पड़ता है घर के लिए। रास्ते में रमन के पीछे से एक गाड़ी आने लगती है। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही रमन पीछे से आने वाली गाड़ी को जगा देता है और तभी वो आईने में खुद को देखता है तो उसे दिखता है कि उसकी शक्ल कुछ बदली सी लग रही है, जैसे कि उम्र बढ़ गई हो अचानक से। अरे ये कैसे हो गया, शायद आईना खराब है, पूछ देता हूँ। रमन बाइक चलाते चलाते थकने लगता है। बीच में उसे एक लड़का दिखता है जो उससे लिफ्ट मांग रहा होता है। उस लड़के का नाम राघव होता है। लिफ्ट अंकल, लिफ्ट मिलेगी क्या? मैं तुम्हें अंकल दिखता हूँ, कहाँ जाना है बताओ। मुझे बस आगे के गांव में जाना है, मैं घर जाना चाहता हूँ। रमन थोड़ी देर बाद पीछे देखता है तो राघव भी बूढ़ा दिखता है। देखो तुम भी बूढ़े होते जा रहे हो। अरे हाँ, अब क्या करूं मैं, जब से मैंने ये घड़ी ली है मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। रमन की नजर राघव की घड़ी पर जाती है। क्या तुमने जो घड़ी पहनी है वो अभी खरीदी थी? हाँ, एक आंटी आई थी बहुत सारी घड़ियां लेकर, उससे मैंने ले ली, पर पैसे देने के पहले ही वो गायब हो गई। रमन को याद आता है कि उसने भी पैसे नहीं दिए थे उस बूढ़ी औरत को, मतलब ये वही औरत है। रमन की गाड़ी बंद पड़ जाती है।
तुम्हारे पैसों से ज्यादा कीमती मुझे तुम्हारी जान है। तुमने जो घड़ी पहनी है उससे तुम्हारी सारी जवानी बुढ़ापे में बदल रही है, और इसलिए अब मैं जवान दिखूंगी। वो बूढ़ी औरत रमन राघव के सामने आती है। चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है और जोरों से हंसने लगती है। तुम भूत हो, मुझे लगा ही कुछ अजीब हो रहा है। मैं अपनी घड़ी अभी के अभी हाथ से निकालकर तोड़ देता हूँ, फिर ये देखो। रमन घड़ी निकालने लगता है पर घड़ी निकलती नहीं। रमन दांत से घड़ी निकालने की कोशिश करता है पर उसके दांत कमजोर हो जाते हैं उम्र की वजह से। राघव भी दांत से घड़ी निकालने की कोशिश करता है पर राघव का दांत टूट जाता है। आए भगवान, ये क्या हो गया? अभी तक तो मेरी आधी उम्र भी नहीं हुई थी और अभी ही मेरे दांत गिरा दिए। राघव रोने लगता है। वो चुड़ैल उन दोनों की जान खुद में डालने लगती है। दोनों चिल्ला रहे होते हैं तभी वहां एक तांत्रिक आता है और वो अपनी झोली से कुछ राख उड़ाकर उस चुड़ैल पर फेंकता है। ए चुड़ैल, ऐसे अनजान लोगों को पकड़कर उनकी जान ले लेना तुझे बहुत बड़ा पापी बनाता है। घोर पापी है तू। ये तू क्या कर रहा है तांत्रिक? तुझे ये महंगा पड़ेगा। तांत्रिक उस चुड़ैल को अपने पाउडर से बनाए गोलाकार घेरे में कैद करता है। चुड़ैल चीखने लगती है। वो रमन राघव की जान लेने से पहले ही तांत्रिक उसे कैद कर देता है। शुक्रिया बाबा जी। ए शुक्रिया शुक्रिया। ये चुड़ैल कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। मतलब ये इस गांव की सबसे महान घड़ी बनाने वाले की बीवी थी जो 100 साल पहले यहां रहा करती थी। रानी अपने पति आर्यन के साथ खुशी खुशी रहती थी पर एक दिन उसके पति को एक ऐसी कल्पना सूझी कि उसने वो घड़ी बनाने पर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। आर्यन एक ऐसी घड़ी बनाना चाहता था जो बूढ़े लोगों को जवान कर दे और जवान को बूढ़ा। एक दिन आर्यन अपने घर के बाहर एक आदमी को देख रहा था। वो आदमी खुदकुशी करने जा रहा था। आर्यन के घर के बाहर गाड़ी आती है तेजी से और उस आदमी के ऊपर से जाने ही वाली होती है कि आर्यन चिल्लाता है, अरे भाई तुम्हें खुदकुशी करनी है तो अपने घर में जाकर फांसी ले लो, जिंदा खुश नहीं हो क्या? अरे साहब आपको क्या बताऊं, पगार मिलती नहीं समय पर और काम करने जाना पड़ता है। अभी मेरी शादी तय हुई है, मैं क्या खुश रखूंगा अपनी बीवी को? मेरी हालत ही ऐसी है, माँ और बाऊजी भी मर गए कुछ सालों पहले ही, मैं क्या करूं जिंदा रहकर? क्या तुम्हें बूढ़ा होकर मरना अच्छा लगेगा? हाँ जरूर। ठीक है, ये घड़ी पहनो और कुछ देर के लिए सो जाओ। आदमी सो जाता है और उठकर देखता है तो वो बूढ़ा हो चुका होता है। तुमने ये क्या किया? मुझे खुद को ऐसे नहीं देखना है। तुमने ही तो कहा था तुम्हें ऐसे ही रहना है। मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ, अब ऐसे जिंदा नहीं रहना है मुझे, और तुम्हारी बीवी और तुम भी खुश नहीं रह पाओगे कभी। उस आदमी का शाप आर्यन और उसकी बीवी रानी को लगता है और वो दोनों कभी साथ नहीं रह पाते। वो मानो एक दूसरे से कई दूर चले गए थे। और आज वो दिन है जब वो हादसा हुआ था। अब हम क्या कर सकते हैं बाबा जी? तुम्हें तुम्हारी जवानी मिल सकती है अगर तुम वो घड़ी हाथ से निकाल दो। अगर तुम्हें उसके लिए अपना हाथ काटना पड़े तो काट दो, और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। जल्दी करो वरना तुम और बूढ़े हो गए तो मर भी सकते हो। राघव और रमन
ये सुनकर और डर जाते हैं। रमन अपना हाथ काटने के लिए कहता है राघव को। राघव रमन का हाथ काटता है और जैसे ही हाथ कट जाता है वो घड़ी हाथ से उतर जाती है। राघव भी रमन को अपना हाथ काटने के लिए कहता है। रमन अपने एक हाथ से राघव का हाथ काटता है और उसकी भी घड़ी हाथ से निकल जाती है। दोनों के शरीर से खून बहने लगता है, पर तांत्रिक उन दोनों के हाथों पर एक पट्टी लगा देता है जिससे खून निकलना बंद हो जाता है। दोनों की जान बचाने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ा। तांत्रिक उन घड़ियों को लेकर जला देता है और जैसे ही घड़ियां जलने लगती है चुड़ैल के शरीर में भी आग लगने लगती है। आखिर चुड़ैल की आत्मा को भी शांति मिल रही होती है। मैं तुम्हें तुम्हारा हाथ फिर से वापस देती हूँ। शुक्रिया मुझे मुक्ति देने के लिए, शुक्रिया। चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है। दादाजी दादाजी, वो वाली कहानी सुनाओ ना, वो गांव की डाइन वाली। अरे बच्चों, अभी रात हो गई है, ऐसे छोटे बच्चे रात को भूत प्रेत की कहानियां नहीं सुनते। दादाजी अब हम बड़े हो गए हैं, प्लीज हमें भी वो वाली कहानी सुनाओ ना। अच्छा ठीक है बच्चों, अगर तुम लोग इतनी जिद कर ही रहे हो तो सुनाता हूँ। बात है आज से कई साल पहले की। साल था 1999, जब गांव में दशहरा का पर्व था। सभी लोग मेला देखने जा रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने सड़क पर एक लंबे से साड़ी को बिछा देखा। उस साड़ी को देखकर सबको कुछ ठीक नहीं लगा। सबका उस साड़ी को लांग कर रास्ता क्रॉस करने को मन किया, लेकिन एक आवारा सा लड़का नहीं माना और उसने उस साड़ी को लांग दिया। सड़क के किनारे से गुजरते वक्त लोगों ने बांसवाड़ा के पास से एक आवाज सुनी जो कि पानी के बौछार की थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई नहाता है। लोगों ने जब उस तरफ टॉर्च मारा तो उन्हें एक औरत नहाती हुई दिखी, लेकिन अगले ही पल सबकी टॉर्च एक साथ फ्यूज हो गई और फिर से अंधेरा छा गया। सब समझ गए हो ना हो ये कोई भूतनी या डायन ही है। सबका शक बिल्कुल यही था। सब उस रात फटाफट वहां से निकले। अगले सुबह गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई कि एक डायन ने इस गांव को श्रापित कर दिया है और वो लड़का जिसने पिछली रात उस साड़ी को लांगा था उसने उसी रात खुद के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये सारी खबरें गांव में आग की तरह फैल गई और हर कोई बस उसी डायन की दहशत की बातें करने लगा। अक्सर दशहरा दिवाली जैसे पर्व में गांव खेड़ों में डायने वगैरह घूमा करती है, ये एक आम बात थी। तो लोगों ने सोचा कि जैसे ही दशहरा बीतेगा सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उस डायन की तबाही ने अपना जन्म लेना शुरू किया था। दशहरा के 10 दिन बीतते ही गांव में एकदम से कयामत आ गई। सारे पालतू मवेशी मरने लगे, कोई देर रात उन्हें मारकर उनका पूरा खून चूस लेता। जिंदा बच्चे भी गांव में पैदा नहीं हो रहे थे, गर्भवती महिलाओं का बच्चा उनके गर्भ में ही मर जाता। सबका यही मानना था
कि इन सब का कारण वही डायन है जिसने अपने श्राप से पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। गांव में अब खेती होना भी नामुमकिन हो गया था। खेतों में बंजर जमीनें थी, सारी फसल सूख गई थी और इसी कारण कई किसानों ने खुदकुशी कर ली। दादाजी, लेकिन डायन इस तरह लोगों को क्यों मारती थी? क्या वो कोई बदला लेने आई थी? नहीं, वो किसी बदले के मकसद से नहीं आई थी। वो इस गांव को हासिल करना चाहती थी क्योंकि उसे हमारे गांव को अपना अड्डा बनाना था, जिसका सुझाव उसे एक तांत्रिक ने दिया था। कुछ सालों पहले गांव वालों ने उस तांत्रिक के घिनौने कामों की वजह से पीट पीट कर उसे गांव से बाहर निकाल दिया था और उसके ही सुझाव पर उस डायन ने हमारे गांव पर निशाना साधा था। दादाजी, फिर आगे क्या हुआ? क्या उस डायन ने सबको मार दिया? नहीं बेटा, सबको मारना संभव नहीं था, लेकिन जो नियमों को नहीं मानता वो उस डायन के जाल में आसानी से फंस जाता। नियम? कैसे नियम दादाजी? जैसे सूरज ढलने के बाद घर के दरवाजे खिड़की बंद कर लेना, किसी के दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा ना खोलना। लेकिन इससे डायन शांत नहीं बैठी, बल्कि उसने दूसरा पैंतरा आजमाया। अब तो शादी बारात भी गांव में नहीं हो सकते थे, वरना डायन के पास एक भारी मौका होता अपना शिकार फंसाने का। उसने गांव के सभी लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया और उससे दूसरों को नुकसान पहुंचाना चालू किया। धीरे धीरे उस डायन का आतंक बढ़ता चला गया। दादाजी, फिर गांव वालों को उस डायन से छुटकारा कैसे मिला? गांव वाले उस डायन के दहशत से घबराए थे। इसी बीच सभी में ये खबर उठती है कि ये काम उसी तांत्रिक का है जिसे 3 साल पहले गांव से धक्के देकर बाहर कर दिया गया था। गांव वाले गुस्से में लाल हुए उस तांत्रिक का पता करते हैं और फिर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कहते हैं, सुन बे तांत्रिक, उस डायन को किसी भी तरह गांव से बाहर कर। हमें पता है तूने ही उस डायन को हमारे गांव के पीछे लगाया है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे हम ऐसी भयानक मौत देंगे कि तू तंत्र विद्या भी भूल जाएगा। गांव वाले उस तांत्रिक से उसका कवच छीन लेते हैं जिसके सहारे वो जिंदा था। अगर कुछ दिनों में उसे वो कवच दोबारा नहीं मिलेगा तो वो अपनी सारी शक्तियां खो देगा, जिससे उसकी सालों की तपस्या पर पानी फिर जाएगा। तांत्रिक को मजबूरन गांव आना ही पड़ा। उसने साल के आखिरी रात को साधना शुरू की। साधना में मैं और मेरे दो और साथी बैठे थे। तांत्रिक ने मंत्रों को जपना शुरू किया। वो डायन कुछ ही पल में सामने हाजिर हुई, जो कि बहुत ही डरावने चेहरे के साथ आई थी। उसे देखकर हम सब अंदर से कांप गए, लेकिन भाग भी नहीं सकते थे। अगर भागते तो जान से हाथ धोना पड़ता। अब तुझे इस गांव को छोड़ देना चाहिए, मेरा मकसद पूरा हो गया है। मकसद तो तेरा पूरा हुआ है, मेरा नहीं। आई तो मैं तेरे मकसद के लिए थी, लेकिन जाऊंगी अपना मकसद पूरा करके। वो डायन गांव छोड़कर जाने को नहीं मानती। फिर तांत्रिक अपना सबसे ताकतवर योग शुरू करता है और कई घंटों तक चली साधना के बाद आखिरकार वो डायन कमजोर पड़ जाती है और फिर तांत्रिक उसे सामने के पीपल के पेड़ में बांध देता है। मुक्त होने के लिए तांत्रिक उसे गांव छोड़कर चले जाने की शर्त रखता है।
देख, अगर तू चाहती है कि तू आजीवन इसी पेड़ में बंधी रहे, तो अब भी अपनी जिद पर बनी रह। और अगर तू इस गांव को छोड़ने का वादा करती है, तब मैं तुझे आजाद कर दूंगा। ठीक है तांत्रिक, मैं इस गांव को छोड़ दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि यहाँ मौजूद कोई भी शख्स आज की रात हुई दासा का जिक्र कभी भी किसी से नहीं करेगा, अन्यथा मैं उसके सामने आ जाऊंगी और उसे मार दूंगी। इतना कहते ही वो डायन बेहोश हो जाती है और तांत्रिक उसे पेड़ से आजाद कर देता है और गांव फिर से हरा भरा हो जाता है। अरे दादाजी, आपने तो कहा कि उस डायन ने सबसे ये वादा लिया था कि कोई भी उस रात की दास्ता का जिक्र किसी से भी नहीं करेगा, वरना वो सामने आ जाएगी। आपने तो हमें ये सब बता दिया। हे राम, ये मेरे से क्या हो गया? बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो गई, जो अपनी मौत को बुलावा दे बैठा। तभी घर की लाइट चली जाती है और हल्की रोशनी में उन तीनों को सामने एक औरत की बड़ी परछाई नजर आती है। और तभी दादाजी को एक तेज दिल का दौरा पड़ता है और दादाजी की कहानी और उनके जिंदगी की अवधि यहीं समाप्त हो जाती है।